इस वक्त हमारे साथ है दिल्ली पुलिस की महिला जैगवार टीम विस्की 99। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में ये तमाम महिलाएं अपनी स्कूटी पर सवार होकर क्राइम पर लगाम लगाने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो देख सकते हैं महिलाएं जिस तरीके से स्कूटी पर सवार हैं, ये महिला पुलिसकर्मी हैं जिस तरीके से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में इन्हें तैनात किया गया है और अलग अलग इलाकों में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के इलाकों में जाकर ये क्राइम को लेकर मुस्तैदी दिखा रही हैं और जो तमाम जो अपराधी हैं उनकी धरपकड़ करती हुई नज़र आ रही हैं। इनसे बात करेंगे किस तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं और किस तरीके से काम कर रही हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम वुमन कांस्टेबल लिली विनीता है। जी लिली जी, कैसे आप ये अपनी ड्यूटी करती हैं? आप स्कूटी पर जैसे सवार हैं, आप क्या काम होता है आपका? हमारी शिफ्ट बनी हुई है, रात सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हम पेट्रोलिंग करते हैं और उसमें हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के तमाम इलाकों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं। बच्चे, बहुत से बच्चे हैं जो अपनी बातों को रखने के लिए पुलिस के सामने डरते हैं। आजकल इतना क्राइम हो रहा है कि बच्चे अपनी बात मतलब अपने पेरेंट्स को भी बता नहीं पाते हैं। तो स्कूलों के अलावा कहाँ कहाँ जाते हैं आप? हम सीनियर सिटीजन्स के घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। अगर वो बड़े अफसर से मिलना चाहते हैं तो हम उनके लिए बड़े हमारे सीनियर अफसरों से बिल्कुल। तो अलग अलग इलाकों में जाते हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ये महिला जैगवार टीम है। आप अपना नाम बताइए। वुमेन कांस्टेबल विनीता। जी विनीति जी, कैसे आपकी ड्यूटी शुरू होती है, कितने बजे से, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं इस दौरान? जी मेरी ड्यूटी मॉर्निंग, हम लोगों की ड्यूटी शुरू होती है मॉर्निंग 6 बजे से जो रात 9 बजे तक होती है। इसमें 3 शिफ्ट बनी हुई हैं, अलग अलग शिफ्ट। तो इसमें हमें मॉर्निंग में निकलना होता है ड्यूटी पर, स्कूलों में जाते हैं, स्कूल खुलते हैं। और हमारे कुछ कांस्टेबल जो हैं वो सेल्फ डिफेंस का स्कूलों में कोर्स भी करवाती हैं लेडीज़ों को, जो गर्ल्स हैं उनके लिए, ताकि हाँ वो अगर बाई चांस अकेले होती हैं तो वो किसी से सामना करना पड़े तो कर सकें। जी तो जैसे आप अगर जाती हैं स्कूटी लेकर, क्योंकि हम कहा जाता है, जिस तरीके से हम देखते भी हैं महिलाएँ हैं जो है आज भी सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या आपको कभी ऐसी कोई परेशानी आती है स्कूटी जब आप पेट्रोलिंग के लिए जाती हैं स्कूटी से? नहीं मैम, ऐसी कोई परेशानी नहीं आती। जो नाइट शिफ्ट करते हैं हम लोग साथ में रहते हैं सारे, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आती जिससे कि हम अपने आप में कमज़ोर फील करें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कितने टाइम से आप कर रही हैं स्कूटी के साथ ये पेट्रोलिंग? ये समथिंग 1.5 साल हो गया जी। तो ऐसी कोई चुनौती, कोई परेशानी, कोई वाक्य आप बताना चाहेंगे इस दौरान आया? नहीं ऐसा कोई परेशानी नहीं आया, लेकिन अगर बाई चांस कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है किसी का तो उनकी मैं हेल्प जरूर करते हैं, सारे लोग मिलके हेल्प करते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनको ट्रीटमेंट करवाते हैं, जाके ये सारा काम करते हैं। आपका ऐसा कोई वाक्य है जैसे कोई चुनौती जो लगे आपको कि काफ़ी मुश्किल है ऐसा? ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। जिस दिन हम भर्ती हुए थे उसी दिन से हमने सोचा था कि हम देश की और जनता की सेवा करेंगे, तो हमें ऐसे नहीं लगता। अगर हमें रात को भी बुला ले तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, इतना हम पे वो है। जी वही एक सवाल, जिस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, हर साल हम महिला दिवस मनाते हैं, इस बार इस महिला दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी महिलाओं के लिए हमारी तरफ से यही संदेश है कि जो जैगवार टीम है उनको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके साथ हमेशा रहेंगे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम हमेशा तत्पर रहेंगे उनकी सेवा करने में और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। महिलाओं जैगवार टीम महिलाओं के लिए हमेशा हर टाइम पर सुबह से लेकर शाम तक हमेशा तत्पर है, उनकी कोई भी समस्या को समाधान करने के लिए हमेशा उनके पास निवारण है। महिलाओं को डरना नहीं चाहिए, वो अनसेफ नहीं है। आप मतलब लेडीजों की सुरक्षा की जा रही है दिल्ली में, ऑल इंडिया में, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल महिलाओं को डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और जिस तरीके से महिला जैगवार की टीम जो है इस तरीके से तैनात है अलग अलग इलाकों में, स्पेशल तौर पर ही महिलाओं के लिए इस तरीके से टीम तैनात इसीलिए की गई है कि खुलकर जो लोग थाने नहीं आ पाते हैं या अपनी परेशानियों को छुपा लेते हैं तो ये उनके पास जा रही हैं, अलग अलग इलाकों में गश्त कर रही हैं और उन समस्याओं को लेकर उनका समाधान निकाल रही हैं। पूनम पनौरिया, ETV भारत, दिल्ली।